हेलो गाइस, दिस इज मेहुल पटेल एंड वेलकम टू अनदर टेक्नो। सो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट Xiaomi 12 Pro। अगर आप सोच रहे हो कि Xiaomi 12 लेना है तो आप सही वीडियो पे आए हो। यहाँ पे पूरा गाइड करूंगा और जब तक आप सही तरह नॉलेजेबल ना हो जाए तब तक मैं आपको वीडियो में नॉलेज देता रहूंगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। यहाँ पे पूरा गाइड करूंगा आपको कहां से लेना है और कहां से ले सकते हो, कितनी प्राइस में मिलता है आपको। तो वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए। और दोस्तों, ये हमारा शॉर्ट रिव्यू है, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आपका फुल रिव्यू भी जल्दी मिलाऊंगा और लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा शॉर्ट रिव्यू। सो गाइस, सबसे पहले डिजाइन की बात करें तो आपको डिजाइन में तीन कलर मिलता है, जो है ब्लैक, ब्लू और पिंक। आपको तीन कलर आपको यहाँ पे डिजाइन में मिल जाता है। इसके बाद अगर बात करें कैमरा सिस्टम की तो आपको कैमरा सिस्टम में मिलता है आइकॉनिक कैमरा मॉड्यूल के साथ साथ आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जिसमें आपको मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप, जिसमें 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल एंड 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो टेक्निक एंड 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल। ये तीन सेटअप आपको मिलता है विद सोनी आईमैक्स 707 का सेंसर भी आपको मिल जाता है, जो आपके लेंस में ओवर शाइनिंग का काम करेगा। और साथ में मैं यहाँ पे आपको नाइट मोड की भी तस्वीर शेयर करना चाहूंगा, यही तीनों नाइट मोड की, तो आप यहाँ पे डिस्प्ले पे देख सकते हो। सबसे पहले पोर्ट्रेट नाइट मोड की, उसके बाद अल्ट्रा वाइड एंगल एंड देन लास्ट में वाइट एंगल। और यहाँ पे Xiaomi 12 Pro का नाइट मोड का आपको नॉर्मल मोबाइल के साथ कंपैरिजन किया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो टिपिकल नाइट मोड और Xiaomi 12 Pro का डार्क शूट वाला अल्ट्रा नाइट मोड। ऑब्वियसली पता चल ही गया होगा कि किसमें बेटर है और कितना डिफरेंस है। और साथ में आपको पेट्रोल एचडीआर मोड भी मिल रहा है, जिसमें सबसे ब्यूटीफुल तस्वीर आपको यहाँ पे ले सकते हो। इसके बाद मैं यहाँ पे एक शॉर्ट वीडियो नाइट मोड का आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए कितना क्लियर आ रहा है और आप सोच सकते हो कि नाइट मोड में कितना अच्छा क्वालिटी आपको यहाँ पे मिल रहा है। इसके बाद अगर बात करें डिस्प्ले की तो 6.7 इंच का यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिल रहा है। इसके बाद अगर बात करें 10 के टाइप की तो WQHD+ का यहाँ पे ट्रू कलर डिस्प्ले मिल रहा है। उसके रेशियो की बात करें तो यहाँ पे 300x440 पिक्सल का यहाँ पे रेजोल्यूशन है। और उसके PPI की बात करें तो 522 का PPI है। और उसका ब्राइटनेस के लेवल एडजस्टमेंट की बात करें तो 16000 का आपको ब्राइटनेस एडजस्टमेंट मिल जाता है। नेट्स की बात करें तो 1500 का ब्राइटनेस और 80 मिलियन जेम 1 का हाई कॉन्ट्रास्ट रेशियो आपको यहाँ पे मिल रहा है। इसके बाद डिस्प्ले की पावर यानी कि पावर एफिशिएंसी की बात करें तो आपको E5 का AMOLED मटेरियल आपको यहाँ पे डिस्प्ले में मिल रहा है। उसमें टेक्नोलॉजी की बात करें तो माइक्रो लेंस टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पे डिस्प्ले में मिल रहा है। एंड देन एडेप्टिव सिंक्रोनाइजेशन प्रो की बात करें तो यहाँ पे मास्टर बिटवीन 1Hz to 120Hz तक यहाँ पे आपको मिल जाता है। इसके बाद अगर गेमिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको स्मार्ट टच आपको 480Hz तक यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो आपको गेम को और स्मूथ बनाएगा, और स्मूथ करता है और खेलने में आपको कंफर्टेबल बनाता है। एंड देन अगर साउंड की बात करें तो यहाँ पे आपको साउंड में हार्मन ऑन गार्डन का साउंड सिस्टम मिलता है विद डॉल्बी एटमॉस के साथ। एंड देन अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है 4mm का प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1। एंड देन अगर कॉर्टेक्स X2 टेक्नोलॉजी में बात करें तो CPU 20%, GPU 30%, 7 जनरेशन क्वालकॉम A-Engine 400%, स्नैपड्रैगन 888 के कंपैरिजन में आपको यहाँ पे ज्यादा मिल जाता है। और साथ में आपको एडवांस कूलिंग सिस्टम भी मिल जाती है। एंड देन बैटरी की बात करें तो यहाँ पे बैटरी में आपको मिल जाता है 120W का हाइपर चार्ज आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे बूस्ट मोड आपको 18 मिनट में 100% तक करता है और स्टैंडर्ड मोड 24 मिनट में 100% तक चार्जिंग कर देता है। एंड देन बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो 46K mAh की यहाँ पे आपको बैटरी मिल जाती है। एंड देन बैटरी परफॉर्मेंस की बात करें तो 1080 वीडियो रिकॉर्डिंग 5 hours तक, नेविगेशन 9 hours तक, वीडियो स्ट्रीमिंग 15 hours तक और कॉलिंग 19 hours आप बिना रुके यूज कर सकते हो। एंड अगर बैटरी की बात करें तो 42 सेफ्टी फीचर्स आपको बैटरी में इंक्लूडिंग मिलेगा चार्जिंग में, 800 चार्जिंग साइकिल मिलेगी आपको और TUI का आपको सेफ सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। यानी कि आपको फीचर्स यानी कि आपको सेफ्टी, स्मार्ट और सर्टिफाइड बैटरी आपको यहाँ पे यानी कि आपकी बैटरी का सर्टिफाइड हो चुका होगा। सो गाइस, ये था हमारा Xiaomi 12 Pro का क्विक रिव्यू। अगर आप फुल स्पेसिफिकेशन रिव्यू देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप चाहो तो वहाँ जाके विजिट कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और तुम्हें यहाँ पे वीडियो को खत्म करना चाहूंगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टेक्नो में।